पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक परिस्थितियों के चलते जनता के दिलों में राज करते थे। दलों का परिवर्तन अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने दलों में ही नहीं जनता के दिलों में भी राज किया है। यही नहीं, अजीत जोगी के खाते में सर्वाधिक कलेक्टर होने का रिकॉर्ड जाता है। राजनीति के जयदीपमान नक्षत्र, प्रशासनिक क्षमता के धनी और मानवीय वेदना संवेदनाओं से परिपूर्ण विराट व्यक्तित्व अजीत जोगी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बीच में भी ना होकर वो ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, दलों का परिवर्तन अपनी प्रक्रिया है, लेकिन दलों में नहीं, उन्होंने जनता के दिलों में राज किया है। और यही बात नहीं है, सर्वाधिक समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड उनके खाते में जाता है। देश के सर्वाधिक सुसंस्कृत संस्कारित नगर महानगर इंदौर में 5 साल तक लगातार कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड भी उनके खाते में जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने इस विषय पर कुछ अपने पाठक वर्ग से जानना चाहा, तो पाठक वर्ग की जो प्रतिक्रिया थी बड़ी चौंकाने वाली थी कि इन 40 वर्षों में दर्जनों कलेक्टर रहे, लेकिन जनता के कलेक्टर तो 2 ही रहे, अजीत जोगी और मनोज श्रीवास्तव। जानना चाहा क्यों रहे, ये इसलिए रहे कि ये पद से बड़ा भी इनका कद था। क्यों था कद? मानवीय वेदना संवेदनाओं से परिपूर्ण होकर लोकहित में ये किसी भी प्रकार के अहंकार को त्याग कर जनता के बीच में जनता के लिए चले जाते थे। जहां प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनका अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाले परिवर्तन, सुखद परिवर्तनों में रिकॉर्ड है, ऐसे अजीत जोगी की जीवनी या जीवन व्रत, व्यक्तित्व, कृतित्व समग्र समाज के लिए अनुकरणीय, सराहनीय, प्रेरणादायी बने। इस स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से उनकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों और समाज के लिए प्रदर्शित करते हुए अधिक से अधिक समाज उपयोगी, हितकारी बनाना चाहिए। इसके साथ ही पुनः विनम्र श्रद्धांजलि, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.